नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। होप आप सारे लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही बड़ी इम्पॉर्टेंट गुड न्यूज़ शेयर करने वाला हूं। हालांकि आप लोगों को इससे पहले कई सारी वीडियोस में इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी, लेकिन आज मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगा कि आप उसे चेक कैसे कर सकते हो। यानी कि जैसा कि आप सभी को पता है कि कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी कि अगर आप दुबई में यूएई में कहीं पर भी अगर आप काम कर रहे हो और आप जैसे कि वीज़ा आपका कैंसिल होता है, मान लीजिए आपकी कंपनी आपको कैंसिल करती है या फिर आप अपनी तरफ से कैंसिल हो जाते हो एक तरीके से, या फिर आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, तो आपके पास पहले क्या होता था कि आपके पास एक ग्रेस पीरियड होता था जो कि 28 डेज़ का होता था। यानी 28 डेज़ में आपको यूएई छोड़ना रहता है, या तो फिर आपने वीज़े का स्टेटस चेंज करवाओ या तो फिर आप यूएई को छोड़ दो। वहीं पर जैसे कि आप सभी को पता है कि कुछ दिन पहले ये न्यूज़ आई थी कि अभी वो टाइम बढ़ा के 6 महीने कर दिया गया है। लेकिन अब लोगों में कन्फ्यूज़न ये है कि 6 महीने कर तो दिया गया है, लेकिन ये चेक कैसे करेंगे या फिर कहाँ पे चेक करेंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। कैटेगरीज वाइज होगा या कौन बताएगा आपको कि आपका वीज़ा मान लीजिए ख़त्म हो गया है तो आप कैसे, कितने दिन आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं, ये कौन बताएगा आपको। ठीक है, ये एक ज़रूरी सवाल था, लोगों ने मेरे से क्वेश्चन भी किया था, तो इसी विषय पर मैं आज वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो मैंने नॉलेज को इकट्ठा किया, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो इकट्ठा करने की कोशिश की, उसके बाद ही मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि इस चैनल पर आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जैसा कि आप सभी को पता है कि जब भी यहाँ पे किसी का वीज़ा एक्सपायर होता है या फिर कोई वीज़ा कैंसिल होता है, भले आप अपनी तरफ से कैंसिल करवाते हो या आपकी कंपनी आपको कैंसिल करती है, ठीक है, दोनों ही कंडीशन में ये होता था कि आपको 28 दिन का टाइम मिलता था। 28 दिन के बाद अगर आप यहाँ पे ओवरस्टे करते थे तो आपको यहाँ पे फाइन आ जाता था। फाइन का हिसाब भी अलग अलग था, कुछ पैसे थे, एक दिन का शायद 200 दिरहम था और उसके बाद में बाकी के दिन जैसे होते थे वो आपका फाइन जो है वो बढ़ता जाता था दिन प्रतिदिन। ठीक है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट को देखते हुए यूएई गवर्नमेंट ने बड़ा ही अच्छा डिसीजन लिया कि आपको अभी 28 डेज यानी एक महीना नहीं, अभी आपको कम से कम 6 महीने का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन उन्होंने अभी ये कंफर्म नहीं किया था कि किसको दिया जाएगा किसको नहीं दिया जाएगा। तो अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है, मान लीजिए अगर आपको ज़रूरत पड़ती है ग्रेस पीरियड में, अगर आप हो गए हैं, मान लीजिए कि जैसे कि आपका वीज़ा कैंसिल हो गया, अब आपको कंफर्म करना है कि यार कैसा है कैसा नहीं है, हम कैसे चेक कर सकते हैं, कहाँ पर जाएँ, तो सिंपल सा फंडा है, आपका जहाँ का भी वीज़ा है पूरे यूएई में, जहाँ का भी वीज़ा है उस वीज़े की कॉपी लेके, या फिर अभी तो वीज़े का खैर स्टेटस चेंज हो गया यानी कि अभी आईडी में हो रहा है, लेकिन फिलहाल अगर आपका वीज़ा कैंसिल हो गया तो आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है, या फिर आप अपनी इमरत्स आईडी के द्वारा भी आप चेक करवा सकते हैं। आपको जाना है अपनी नियरेस्ट तहसील में, मान लीजिए जिस भी स्टेट का आपका वीज़ा है वहाँ उस स्टेट की जो तहसील है वहाँ पर आपको जाना है और अपनी इमरत्स आईडी शो करना है, उनको दिखाना है, वो वहाँ पर आपको कैटेगरी देख के आपको बता देंगे कि आप यहाँ पे कितने दिन और स्टे कर सकते हैं। बाकी और किसी की बातों में ना आए, खुद चेक करें, खुद जाएं ताकि आपको सही इन्फॉर्मेशन हो सके और आप अच्छे खासे फाइन से बच सकें। क्योंकि अगर आप एक महीना भी और स्टे हो गए ना तो समझ लीजिए आपका बंडा फोड़ हो गया, आपका 1000-1500 दिरहम के आसपास आपका फ़ाइन आ जाएगा आराम से। तो सतर्क रहें, सावधान रहें, पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।